गुलजार के फैन कितने हैं यहाँ पर? गिव मी अ चेयर. गुलजार साहब के फैन कितने? गुलजार साहब के बारे में एक बात बताता हूँ. उनकी पोइट्री के अंदर बड़ी एक यूनिकनेस है. पहले जमाने में पोइट्री होती थी, आज भी होती है, लेकिन गुलजार साहब की पोइट्री पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है. पहले भी किसी के बाप के समझ में नहीं आती थी, आज भी किसी के बाप के समझ में नहीं आती है. गाना लिखा या सिली सिली, पहले बताओ फटी कब थी? यहां वहां नहीं चलते, ऊपर ही चलते हैं. गाना लिखा आजा चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे, नासा वाला टेंशन में बुड्ढा क्या करेगा. गुलजार के बारे में मैं कहीं पढ़ा लिखा था, गुलजार द मैजिशियन. बोला हाँ यार, ये आदमी जादूगरी है कि जो आदमी जितेंद्र और चंद्रचूड़ सिंह से एक्टिंग करवा ले वो जादूगरी है भाई. और सिंपल लिखो ना, उनका उनकी टर्मिनोलॉजी बहुत अलग थी. बेटी पैदा हुआ नाम रखा बोस्की, बंगले का नाम था बोस्कियाना. गाना लिखा मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, इसकी माँ का बोसा हो क्या रहा है? कितना उर्दू का वर्ड, लेकिन बोसा कितना गंदा लगता है यार. अगर किसी लड़की को बोल दो कि आई वांट टू किस यू, किस भी दे देगी. बोलो मैं आपका बोसा लेना चाहता हूं, बोले जा तेरी माँ का तेरी बहन का बोसा ले, भाग बोसा ले गए साला बोसा वाला. और नॉर्मल गाने लिखे नहीं है, कंफ्यूज करने वाले गाने लिखे हैं. जैसे एक गाने के लिरिक्स से बताता हूं, इन शॉर्ट आई लव यू. गुलजार साहब लिखते हैं मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है, ऐसा लगता है मुख्तार भाई के बाप को इनसे प्यार है. एक गाना लिखा है आ धूप मलू में तेरे हाथों में, मलो मलो मैं देखता हूं मलो तू, उसको धूप नहीं बोलते हैं. फिर लिखा है तुम जो कह दो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को रोक लो, रात को रोकेंगे इनको, सुबह सुबह एक कप कॉफी पिला दो, हाथ में न्यूज़पेपर दे दो, मां कसम पॉटी नहीं रोक सकते. और एब्स्ट्रैक्ट गाने यहां तक नहीं, उन्होंने नज्में लिखी है ना. एक नज्म लिखी है, प्लूटो उनकी किताब है, उसमें एक नज्म है चलो लम्हे छीले, चलो लम्हे छीले गुजरते हुए वक्त से तोड़ लें, तुम जबा पे रखो मैं निगल लूं और तमा निगल लें. तो क्या कर रहे हो बे? मैंने भी लिख दिया चलो वक्त खुजाएं, कभी दाहिने हाथ से खुजाएं कभी बाएं हाथ से खुजाएं, और इस खुजाहट की कोख से पैदा होगी झंझनाहट दांतों में जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं, और उस काल के गंजे से कपाल पर झुर्रियों भरी पीठ पर खचर खचर की खुरखुराहट से गूंगी सी एक चीख उभरेगी और वहीं गिर पड़ेगी धुड़ुम. ऐसा कुछ भी लिखेंगे. और उस ख्याल खुजलियात के जिस्म की चादर से हवस की थरथराई बू दिखाई, और दिखाई देगा कैनवस की चिता पर काला सा कफन ओढ़े हुए खुजलियों का शहनशाह जिसका नाम भट्ट साहब होगा. ये गुलजार साहब. और गुलजार साहब ने सिर्फ शब्दों के साथ ज्यादती नहीं की है, जब शब्द खत्म हुए तो गानों में साउंड इफेक्ट लाए गुलजार साहब. नहीं चाहिए फिर भी छई छपा छई छपाक छई कर क्या रही थी. गाना क्यों लिख रहे हो? मतलब वो काम ऐसा है कि उसके कान के नीचे बचाना चाहिए. आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की बजाओ कान के नीचे, गाना लिख रहे हो तुम वहां बैठ के, आ रही है जा रही है साउंड इफेक्ट. दिल हू हू करे गुलजार साहब, साउंड बराबर लेकिन जगह गलत है, वो दिल नहीं है. फिर कुछ आज से कमी नहीं, दिल करे चूचा अबे चाइनीज का दिल है क्या? फिर उन्होंने यहां तक बस नहीं किया. फिर एक गाना है, मैं पिछले दिनों गाड़ी में बैठा हुआ था, एफएम में गाना आ रहा था, मैं और मेरा दोस्त बैठे थे, गाने के बोल यही बोल थे, पों 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 पों, दोनों चेक करे तू ही है, मूली के पराठे साले तू ही खा रहा है. फिर एक साउंड इफेक्ट था, इतना वल्गर साउंड इफेक्ट है, सबसे चीप साउंड इफेक्ट है. और गाना आध्यात्मिक गाना है, प्योर गाना है, सोलफुल गाना है, उसके अंदर साउंड इफेक्ट इला अरुण जी का चोली के पीछे क्या है, बड़ा आध्यात्मिक गाना है. चुनरी के चोली में दिल है मेरा चुनरी, ये गाना आता है ये.